हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ गाइस। अभी थोड़ा सा बस मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, सुबह सुबह वॉमिटिंग हो गई और पता नहीं कैसे उठी। बस मैंने उठ के पानी वानी पिया था और तभी मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई। मुझे ऐसे लगा, काफ़ी डाउन फील कर रही थी मैं और फिर एकदम से वोमिट हो गई। बट चलो, ये तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो गाइज, आज आपको तो पता ही है कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में ये है कि थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए घर में। तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी हमारी सफाई में लगी हुई हैं और किचन साफ़ कर रही हैं, वो उनके डब्बे वब्बे साफ़ कर रही हैं। सांस फूल गया था मेरा, इतनी देर तक बोलती रहूँ तो हमारा, मैं आपको पता है नवरात्रि मेरे फेवरेट त्योहारों में से एक है। मुझे नवरात्रि बहुत पसंद है, ये वाले जिसमें मूर्ति वाले, जिसमें मूर्ति रखी जाती है ना। वो हमारे वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे वहाँ पे ना सब लोग हाथों से बनाते हैं मूर्तियाँ मिट्टी की, चाहे वो जैसी मर्जी बनाए, तो वो बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ को। तो मतलब हमारे वहाँ पे सब ऐसे, पता है, इतने एक्साइटेड होते हैं ना नवरात्रों को लेके। एक महीने पहले ही मिट्टी ले आएंगे खेतों में से और बनाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत मतलब बहुत अलग ही लेवल होता है खुशी का। सब एक दूसरे की देखने जाएंगे किसने कैसे बनाई है, तो वो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे मतलब जब मैं बनाती थी तो ना, मुझे भी बहुत शौक है ये चीज़ें बनाने का, मिट्टी के वो बनाने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ ये ना कि जब भी मैं बनाती थी ना, मेरी मम्मा क्या होती थी ना कि जब भी मैं बनाती थी, मुझसे जब मैं शुरू शुरू में बनाती थी तो बनानी नहीं आती थी, तो मेरी मम्मा मुझे इतना मोटिवेट करती थी ना, इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मेरे को ऐसा लगता था। मम्मी कहती, यार मम्मी अच्छी नहीं बनी। कह रही, नहीं बहुत अच्छी बनी है, फलाने की लौंडिया से तो इतनी अच्छी बनी है, देखियो कितनी बढ़िया बनाई मेरी लौंडिया ने। तो मम्मी ऐसे बोलती थी ना, तो मेरे को बड़ी मतलब ऐसे होता था, हाँ अच्छी बनी है। फिर मम्मी हमेशा बोलती, मम्मी कभी मेरे को डीमोटिवेट नहीं करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं वो चीज़ें सीखूँ। तो कहती थी, बहुत अच्छी बनी है यू, तो देखियो उसकी लौंडिया में गूठाना भी ना आवे। तो मम्मी ऐसे करती ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। फिर कहती, कोई बात नहीं, इस बार ऐसी बनी है, अगली बार और अच्छी बनेगी, उससे अगली बार और, कहती उससे अगली बार तो बनाएगी फिर और अच्छी बनेगी, ऐसे बनाते तो इतनी अच्छी मूर्ति बनाने लग जाएगी एक दिन। और वैसा ही हुआ, मतलब मैं पहले से, मेरे हाथ में काफ़ी सुधार आ गया। मतलब पहले मैं बहुत, मैं अगर मेरे पास हैं काफ़ी फ़ोटोज़ में देखती हूँ ना, तो अभी लगता है मैं कैसी मूर्ति बनाती थी, तो अभी थोड़ा अच्छा बनाने लग गई। इतना ज़्यादा तो नहीं, एक जैसे प्रोफेशनल तरीके वाला तो नहीं, बट हाँ उसको देख के लगता है कि हाँ माँ है, सुकून है, माता रानी बनाई है। तो ये मेरा फेवरेट त्यौहार है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ना इन चीज़ों को करने में ना बड़ा मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए या मेरे को खुद को सुकून मिलता है जब मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ इन चीज़ों को लेके। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी हमेशा, मैं चाहे कुछ भी हो, गोवर्धन हो या फिर मिट्टी का कुछ बनाना हो, मम्मी हमेशा, कितना अच्छा बनाया उसकी लौंडे को, देखिए गूठाना भी ना हो उत्ती पे। मम्मी हमेशा ऐसे करती ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी उनसे। कहती, नहीं इस बार देख, अब इस बार ऐसी बनी है, अगली बार तू और अच्छी बनाएगी, उससे अगली बार तू और अच्छी बनाएगी। तो ऐसे कर करके मैं अच्छा बनाना सीख गई कि हाँ, कोई देख के ये कहे कि हाँ अच्छी बनी है। तो और हमारे वहाँ पे ना कोई नहीं लाता बाहर से खरीद के, सब लोग घर पे बनाते हैं, सब लोग। हाँ, क्योंकि वहाँ पे नहीं, मतलब अगर कोई ले, क्यों भाई, अगर कोई ले भी आए, तो अगर कोई जिक्र भी करे, क्यों मिट्टी ना था, खेत ना था, टूट रहे बनाने को। तो और यार, त्यौहार होने ही ऐसे चाहिए, त्यौहार किस लिए, इंजॉय करने के लिए ना। तो मैं तो फुल इंजॉय करती हूँ, जैसे ये हो गया, गोवर्धन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार भी मैंने पापा को बोला है, पापा गांव गए हैं, मतलब हमारी जो हमारा गांव ना यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे हमारे खेतों में, जैसे पिछली बार अभी गेहूँ हुए थे पीछे जो मैंने आपको दिखाए थे व्लॉग में, अभी ईख बो रखे हैं। तो ईख में पापा, क्योंकि पापा दिल्ली जाते हैं ड्यूटी, तो जब ऐसा होता है ना कि दो दिन के करके आ जाते हैं, तो दो दिन घर पर रहते हैं,
तो ये होता है कि फिर वो खेत में जाते हैं। पिछली बार दवाई लग रही थी, अभी पानी वानी लग रहा है, तो अभी खेत में गए। फिर मैंने डैडी को बोला कि आप मिट्टी ले आना डैडी गाँव से। पापा तो कह रहे थे मत बना ऐसे इतनी देर। मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बनाऊँगी, एक साथ नहीं बनाऊँगी, अभी बहुत टाइम है। तो पापा कह रहे चलो ठीक है मैं ले आऊँगा। तो पापा मैं आज मिट्टी ले आएंगे और बस फिर मैं हम माता रानी बनाने की तैयारियां शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं एक साथ, तो पहले क्या होता था मैं दो चार दिन में बना के निपट जाती थी, अभी तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बनाऊंगी क्योंकि एकदम इतना नहीं बैठ पाऊंगी ना इस वजह से। तो पापा लेने गए हैं और अभी हमारा मेरा नाश्ता पानी हो गया है। और नाश्ता पानी के बाद मैं बस अभी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी ने मेरे को नहाने नहीं दिया सुबह, वरना मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो बस अब मैं बस चाय और नाश्ता हो गया। अब बस मम्मी किचन की सफाई कर रही है, मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मेरे को अभी पूजा करनी है और हेयर भी वॉश करने हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। मैं दिखाती हूँ आपको मम्मा देखो कहाँ चढ़ी हुई है, नीचे उतर गई। मम्मी सफाई कर रही है, देखो कितनी सफाई। मम्मी कर लेते हैं सफाई और मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है? तो मैं आके मिलती हूँ आपसे। सो गाइस अभी मैं बस नहा के अपनी पूजा करके अब मैं बनाना शेक बना रही हूँ, ठीक है? दिखाती हूँ, बस बनाना शेक बनाती हूँ अब मैं ना। आप लोगों को भी पीना है तो आप आ सकते हो, मैं पिला दूँ। सो गाइस आज ना मेरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है क्यों? कि मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी आने वाली है और मैं उस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे ये पहले नवरात्र हैं और पता नहीं मेरे घर पे इस बार कैसी हो बनेगी, क्योंकि हर बार तो मैं ही बनाती थी, इस बार मेरी छोटी बहन बनाएगी, पता नहीं क्या ही पत्थर में डले मारने, चल पानी में डले मारने, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो डायलॉग याद नहीं आ रहा। वो बना लेगी वैसे, आता है उसको, सिखाया है छोटा मोटा, मतलब ये है कि धीरे धीरे सीख जाएगी वो, छोटा मोटा तो बना लेती हूँ, बहुत अच्छे मोर वगैरह ये सारी चीज़ें वो आराम से बना लेते हैं। तो मैंने इसमें बनाना डाल दी, एक कप चीनी मैंने फिर नहीं भरा था, वो एक कप चीनी। मैं सोचूँ अपने ड्राई फ्रूट्स भी इसी में डालूँ, है ना? उसका मैं किशमिश का पानी पी लेती हूँ। ये मेरे बादाम और बादाम और अखरोट इसमें मिक्स करके पीस देती हूँ सबको। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं, सारे त्यौहार मेरे यहाँ सारे ना बेबी की वजह से आधी चीज़ें ये सोचती हूँ कैसे करूँगी, बट मेरे को करनी है, चाहे मैं धीरे धीरे करूँ पर मेरे को करना है। इसमें मैंने डाल दिया है दूध, मैं बहुत है सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, अब बस मैं इनको पीस लूँगी, पहले मैं मिक्सी निकाल लूँ। ये विशाल का ये मेरा थोड़ा सा ही है।
आज मैंने ना आज मैं बनाने वाली हूँ, लाइट लग गया ना पीछे से, आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। वो मेरे फेवरेट है। तो अब मैं इसको, ये मैंने धो के वॉश कर लिया, सुखा भी थोड़ी हुई। अब मैं इसको ना पिया कस की मदद से अच्छे से कस लूँगा, ठीक है? देखते जाओ मैं पहले इसको एक घंटा धोऊंगा। छोटा वाला सुन लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, जो कि मेरा फेवरेट है। बस मैं अपने लिए बना रही हूँ, बाकी सबने खा लिए। बस मैं 1, 2, 3 बस, बाकी मेरा हो गया। बस मैं पहले खाऊंगी, तब कुछ करूँगी, ठीक है? अब मैं ये बना लेती हूँ फटाफट से। बस गाइस, मैंने अपने पेट लगा लिया, ये मैंने दूध ले लिया, मैं दही से नहीं खा रही आज, दूध से खाऊँगी। मैं चटनी भी डाली हूँ और ये दूध और ये मेरे पराठे। चलो फिर खाना खा लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको पराठे खा के बताती हूँ कि कैसे बने हैं। वैसे तो मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ, तो गाइज़ मैंने यहाँ पे जब पराठे खाए ना, ओहो बस पूछो मत आप, इतने टेस्टी बने ना, क्या ही कहने आप लोगों के, मुँह में पानी आ रहा होगा। बहुत टेस्टी बने हैं सर, सीरियसली। मज़ा आ गया गाइज। खाली से मैंने सोचा मैं दूसरे ले लूँ, मतलब मैंने अपने लिए दही डाली, फिर मेरा मन कराया कि मैं दूसरे खा लिया, तो ये गली विशाल की खा लिया। आप ले लो। गोभी और प्याज के जो पराठे बने थे ना, मतलब मेरा पेट भर गया, पर मेरी नियत नहीं भर रही उनसे, इतने अच्छे लग रहे थे मेरे को, इतना टेस्टी। आय हाय हाय, मज़ा आ गया खा के, सीरियसली। अब तो सर्दी सर्दी में यही चलेगा, गोभी के पराठे बनाओ, एंजॉय करो लाइफ। बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली। और सो गाइज, अभी बस मैं खाना वाना खा के अभी ना थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद पापा मट्टी ले आए हैं, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपने देवी के लिए, मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि पहले मिट्टी तैयार होती है, उसके बाद ही जितनी अच्छी मिट्टी तैयार होगी उतनी अच्छी मूर्ति बनेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब मिट्टी में कंकड़ पंकड़ से होते हैं ना, फिर उनसे क्या होता है कि जब हम बनाते हैं तो फिर वो फट जाती है या दरार आ जाती है उसकी वजह से, और फिर वो एक फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो पहले जितनी अच्छी हमारी जो मिट्टी बनेगी उतनी अच्छी हमारी मूर्ति बनेगी। तो पहले हम मिट्टी बनाएंगे, उसके बाद हम मूर्ति बनाएंगे, ठीक है? तो अभी मैं बस, आप समझ सकते हो अपनी बहन की तकलीफ यार, अभी ज़्यादा मेरा इतना एक्टिव होना ठीक नहीं है, ठीक है? टाइम क्लोज आ रहा है, तो अभी बस मैं थोड़ा सा पहले मैं रेस्ट कर लूँ, है ना, फिर उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि मैं खाना बना रही थी ना, बाकी काम तो मम्मी ने कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब मम्मी ने कर दिया, बस मैंने खाना बनाया, पूजा करी ना आगे। लेकिन मैं फिर भी खड़ी तो थी ना, तब से अपने पैरों को आराम दूंगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी मट्टी, ठीक है? फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ओके? चलो भाई सो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं यार। ओ पप्पी, कितना सुकून मिल रहा है लेट के। सो गाइस, गुड इवनिंग, सॉरी। सो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, और बस मैंने अपना नाश्ता, जो मतलब स्नैक्स वगैरह ले चुकी सबके साथ, सब लोग चाय वाय पी चुके, सब लोग चाय वाय पी के नीचे जा चुके, ठीक है? अभी तो फिर चलते हैं, मैं अपनी मिट्टी की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फिर खाना वाना भी बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेट्स गो गाइस, एरीज के अंदर हमारी मिट्टी, मैं इसको उठा के नहीं लाई, घसीट के लाई, क्योंकि इसमें वजन था ना, मैंने उठाया नहीं इसको, ऐसे ही झोला पकड़ के और घसीट के ले आई, ताकि जोड़ना पड़े। देख रहे हो मिट्टी, अरे निकल जाए यार। सो गाइस, इस वाली मिट्टी को ना हम सबको इसमें डाल देंगे बाल्टी में, ठीक है?
बाल्टी में डाल देंगे अच्छे से सारी मिट्टी को। सो गाइज ये वाली जो मिट्टी है ना अब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो मैं ना अभी विशाल गए हैं बाहर, मैं उनका वेट कर रही हूँ, तो वो जैसे ही आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मिट्टी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बस पहले ना मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ा उनका, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके।